मेडिकल एंड हेल्थ पर बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, ये सत्य है कि जिस प्रदेश में उत्तम और उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्थाएं होती हैं वो प्रदेश खुशहाल होता है, उन्नत होता है। बहुत आवश्यक है कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, संवेदनशील होने की, ये मानवीय संवेदनाओं का विषय है। मेडिकल हेल्थ जैसे विषय को व्यापक और सर्वांगीण डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ हो, इस बात की आवश्यकता थी। मुझे अत्यंत दुख है ये कहते हुए कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में सत्तारूढ़ रही, परंतु कोई आधारभूत सुदृढ़ कार्य योजना कांग्रेस की सरकार, गहलोत जी की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं बना। से थोड़ा सदन है, आवाज कम करें। इस संवेदनशील और गंभीर विषय पर भी सिर्फ बजट में घोषणाएं होती रही, जोर जोर से हमारे बंधु पक्ष में बैठे हुए थे, तालियां बजाते थे, मेजें थपथपाते थे और बड़े जोश के साथ, उत्साह के साथ उन बजट घोषणाओं का स्वागत किया करते थे। परंतु जैसी घोषणाएं थी माननीय सभापति महोदय, निरोगी राजस्थान, निशुल्क चिकित्सा, निशुल्क दवाइयां, निशुल्क जांच, मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी योजना में 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख का फ्री उपचार, परंतु ये घोषणाएं यहीं तक सीमित रह गई थी माननीय सभापति महोदय। कभी उन्होंने वास्तविकता धरातल पर जाके देखी नहीं। क्या स्थिति है गांव ढाणी की, उस गांव के व्यक्ति की जो इलाज करने गांव की डिस्पेंसरी में, CHC PHC में जाकर इलाज कराने जाता है, तो क्या दुर्गत चिकित्सालयों की मिलती है? अस्पताल में चिकित्सक गायब, अस्पताल से कोई नर्सिंग होम बढ़ाने का विषय नहीं, कोई संसाधन नहीं। हालात ये कि लोग बिना चिकित्सा के तड़पते रहे, पर तालियां बजती रहीं। और जब ये फ्लॉप हो गए तो इन्होंने प्राइवेट चिकित्सालयों को एक राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए और राइट टू हेल्थ बिल के तहत इन्होंने कहा, ना तो उनसे कोई बात की, ना कोई सहमति ली, ना कोई उनसे तार्किक बात हुई और उनको राइट टू हेल्थ बिल लाकर और धाराएं लगाकर उनको अपनी निरोगी राजस्थान, जिसमें ये फ्लॉप हो गए थे, जिसके वादे पूरे नहीं कर पाए थे, वो उन पर थोपने का इन्होंने प्रयास किया। और हालात ये हुए कि राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था कई दिनों तक चरमराती रही। आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की हम बात करें तो जिस तरीके से फेल हुई, फ्लॉप हुई, क्योंकि जब लोग प्राइवेट चिकित्सालयों में इलाज कराने जाते थे तो ये हालात थे, चूंकि वो उनको ना तो उचित समय पर दवाइयों का भुगतान मिल पाता था, ना चिकित्सा के लिए उचित राशि मिल पाती थी। बेचारा गरीब मरीज जब वहाँ जाता था तो उसको टरका दिया जाता था, उसको बहला दिया जाता था और निजी चिकित्सालय उसका इलाज नहीं करते थे। मजबूर होकर दुकान मकान, गहने खेत बेचकर गरीब व्यक्ति अपना इलाज निजी चिकित्सालय में पैसे देकर इलाज कराया करता था। ये सत्य है, ये हकीकत है जो धरातल पर देखी है, इससे बचना नहीं चाहिए। आप केंद्र में सबसे ज्यादा समय तक सत्तारूढ़ रहे, लेकिन आपकी विजन में कभी समृद्ध और सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था का कभी ख्याल नहीं आया। वर्षों तक, आजादी के बाद तक सिर्फ 7 एम्स इस देश में चलते रहे, आज 11 साल के अंदर 22 एम इस देश की धरती पर बन चुके हैं। ये एक विजन, ये सुदृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ हो सकता है।
कोरोना में क्या हाल हुआ, कोरोना में आप भले से तालियां बजवाते रहे, खुद की पीठ थपथपाते रहे, लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि लोग आप चिकित्सालयों के अंदर उनको बेड भी उपलब्ध नहीं करवा पाए, दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा पाए, और तड़पते हुए तड़पड़ाते हुए लोगों ने सड़कों पर ही दम तोड़ दिया। ये कोरोना के समय आपकी सरकार के समय के हालात। अरे धन्यवाद हो माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का, जिन्होंने ऑक्सीजन की ट्रेन, ऑक्सीजन के टैंकर, दवाइयां, रेमडेसिविर इस राजस्थान की धरती पर भिजवाया। आपके भी मंत्री गए थे उनके पास, हाँ हाँ तो कर रहे हो आप, आपके मंत्री गए थे और उसके बाद इस राजस्थान की धरती पर ऑक्सीजन की ट्रेन भी आई थी, टैंकर भी आए थे, दवाइयों की खेप आई थी, रेमडेसिविर आए थे और लाखों लोगों की जान बच सकी थी। ये बात भूल जाते हो आप। आपने तो राजस्थान को बिल्कुल बेसुध छोड़ दिया था। आपके और सभी आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 7 स्टार होटलों में क्वारंटाइन हो गए थे ना। ये स्थिति थी। मैं आपको सत्य बता रहा हूं माननीय सभापति महोदय, जो केंद्र सरकार ने इनको जो राशि भी दी थी ना, उनके वेंटिलेटर तक भी नहीं खरीद पाए थे, उस राशि का भी, ये केंद्र सरकार की राशि का भी उपयोग नहीं कर पाए थे पूरी तरीके से। ना तो किसी भी क्षेत्र में इन्होंने प्रयास किया, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। और आप सही कह रहे थे माननीय प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बड़ा अच्छे व्यक्ति, आप एक अच्छा व्यक्तित्व है आपका, मैं सम्मान करता हूं आपका, परंतु आपकी चिंता थी कि वही अधिकारी बजट बना रहे जो गहलोत साहब का बजट बनाते थे, अब भजन लाल जी का बजट भी वही बना रहे हैं, माननीय भजन लाल जी का बजट वही बना, तो आप हमारा बजट ही पूरा नहीं हुआ तो आपका बजट कैसे पूरा होगा। आपकी चिंता निराधार है। आप ये भूल जाते हो कि भारत की सीमा पर वही सैनिक डटा हुआ है जो मनमोहन सिंह जी के टाइम था, और जब पाकिस्तान आंखें तरेरा करता था, दादागिरी दिखाया करता था, और मनमोहन सिंह जी अमेरिका जाकर राष्ट्रपति जी से शिकायत करके आते थे, और आज वही पाकिस्तान नतमस्तक होकर आपके सामने खड़ा है, घुटनों के बल पर खड़ा है। पूरे विश्व में सबसे कंगाल और बदहाल देश पाकिस्तान बन गया आज, क्योंकि नेतृत्वकर्ता की क्षमता होनी चाहिए, उसका विजन होना चाहिए। वही अधिकारी रहेंगे, वही माननीय सभापति सदस्य नेता प्रतिपक्ष, आपका नेता प्रतिपक्ष नोट कर रहा है सदस्य, प्लीज माननीय सदस्य, जब आपके बोल रहे हैं तो कोई उधर से टोक नहीं रहे हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए, समय उनका भी कट रहा है। ये नेतृत्वकर्ता के विजन का प्रश्न होता है, ये उसकी क्षमता का प्रश्न होता है। आप नेता प्रतिपक्ष आपके सक्षम है, आपका भी नंबर है, तब जवाब दे देना, हिम्मत रखो, इसमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अधिकारी वही होता है लेकिन उसकी क्षमताओं का उसका सकारात्मक रूप से उपयोग करके कैसे काम निकाला जाए, ये काम होता है कार्यपालिका का। और अब हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा उसी विजन के साथ, उसी दृढ़ संकल्प के साथ, जो 5 साल तक आपके बजट की घोषणाओं को पूरी नहीं करा पाए थे, अब धरातल पे पूरी होती हुई आपको नजर आएंगी, दिखाई देंगी। आप भी यहीं बैठे हो, हम भी यहीं बैठे हैं। बहुत संशय है आपको कैसे बजट पूरा होगा। अरे संशय मत करो, आपका बजट चुनावी बजट था, चुनाव से 6 महीने पहले घोषणाएं की थी ना, और हमारा ये बजट
जब हम चुनाव जीत कर सरकार बनाई, उस सरकार बनने के 6 महीने के अंदर अंदर कर दिया, 4.5 साल में तो हमारा चुनावी बजट नहीं, हमारा तो भजन लाल जी का दृढ़ संकल्प संकल्पित प्रतिबद्धताओं से भरा हुआ ये बजट है। और ये बजट नहीं है, उनका संकल्प पत्र है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, दिया कुमारी जी का संकल्प है, माननीय भजन लाल जी का संकल्प है, 100% पूरा करके दिखाएंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं 100% पूरा करके दिखाएंगे। दो हजार 2024-14 से जो क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में आपको आता, हर क्षेत्र में नजर आता होगा, सिर्फ चिकित्सा में नहीं, स्वास्थ्य में ही नहीं, साइंस टेक्नोलॉजी में, सैन्य शक्ति में, हर क्षेत्र में, आर्थिक प्रगति में हम तीसरे स्थान पर, हर प्रकार का, ये कैसे संभव हो पाता है? ये दृढ़ संकल्प शक्ति से, संकल्प से हो पाता है कि आज भारत देश चिकित्सा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो गया। आज दो दो वैक्सीनेशन, कभी आपने सपने में सोचा था क्या आजादी के 70 साल तक के आप वैक्सीनेशन बना पाओगे? लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से दो दो वैक्सीनेशन भारत ने बनाए और सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सफलतापूर्वक कोरोना का नाश किया तो सबसे पहले भारत की धरती पर किया। इस बात को मत भूला करो। आपके समय जो मनमोहन जी की सरकार के समय मात्र मृत्यु दर 1 लाख पर 130 थी, वही अब घटकर 97 रह गई। शिशु मृत्यु दर जो 1000 थी, 1000 पर 39 थी, घटकर 28 रह गई। और माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने तो वर्षों तक जनता के दुख दर्द को समझा है, देखा है। और ये जो आप कांगेर डोटासरा साहब, वो ये पर्ची 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 सरकार करते हैं ना, तो ये मैं बता देना चाहता हूं जहां भी बैठ के सुन रहे हो, अरे आपको तो खुश होना चाहिए था, एक मध्यम वर्गीय परिवार का किसान पुत्र का बेटा आज राजस्थान की धरती का मुख्यमंत्री बना है, अपने त्याग से, तपस्या से, अपनी कर्मठता से, अपनी श्रेष्ठता से। और ये पर्चियां जूली साहब यूं ही नहीं खुल जाती हैं, जब बहुत सारे पुण्य कर्म संचित हो जाते हैं तो यहां से नहीं, वहां से पर्चियां खुलती हैं, वहां से पर्चियां खुलती हैं। गलत फहमी निकाल दे डोटासरा साहब, इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, कभी ना कभी किसी की पर्ची खुलेगी। अब काम ही गलत करोगे तो पर्ची नहीं आएगी। पूरे राजस्थान के पहले दिन से मुख्यमंत्री बने, राजस्थान के नीचे गांव डाड़ी तक आला अधिकारियों को भेजकर पूरी गंभीरता के साथ, एक सुनिश्चितता के साथ डाटाओं को ऑनलाइन करके सारा डाटा मंगाकर कहां कहां क्या कमी थी, उन सब चीजों का अवलोकन करते हुए, और आज जैसी जो बजट दिया है ना 27,660 करोड़ का, यह सरकार का पहला बजट है। ये आपके बिगड़े गए, जितना भी आपने बिगाड़ा है ना चिकित्सकीय तंत्र, इस तंत्र को सुदृढ़ करेगा और राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करेगा। 15,000 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री आयुष्मान के द्वारा प्रदेशवासियों का सम्मान पूर्वक और बहुत गुणवत्ता वाला इलाज अब राजस्थान की धरती पर होगा। आप प्रत्येक विधानसभा में आयुष्मान मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सुगम और बेहतर चिकित्सा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हमारी सरकार ने मेडिकल हेल्थ में आधारभूत ढांचे पर जोर दिया है। हमारी घोषणाएं आपकी तरह हवाई घोषणाएं नहीं है, हमारी सरकार RUHS में सुपर स्पेशलिटी 200 करोड़ रुपए ये काम होगा। पीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्पाइन इंजरी, पैलिएटिव केयर, रूमेटोलॉजी, कैंसर, हृदय रोग सहित सभी दुर्लभ
रोगों पर जो है काम किया जाएगा। जिस तरीके से संपूर्ण और समग्र विकास की अब इस बजट में इबारत लिखी जाएगी, सभी स्वास्थ्य केंद्रों को 1500 चिकित्सक, 4000 नर्सिंग कर्मी आप कभी दे नहीं पाए। माननीय सभापति महोदय, मैं बस एक मिनट दो मिनट में अपनी बात कोटा की बताना चाह रहा हूं और उसके बाद में समय का ध्यान रखो। बस एक मिनट में कोटा के विषय में कह दूं, आपका संरक्षण चाहिए। कैंसर रोगों के लिए जो बहुत बड़ी आवश्यकता है, पिछले 5 साल कोटा में धर्मादा संस्थाएं भी काम करना चाहती, भारत विकास परिषद, कोटा कैंसर सोसाइटी, लेकिन उनका कोई सहयोग नहीं हुआ। आज कोटा शहर में बढ़ता कैंसर रोग के रूप में बहुत बड़ी इस क्षेत्र में आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, आप विराजे हुए, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अवश्य मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में कॉटेज वार्ड के निर्माण की आवश्यकता है। हमारा जो किडनी ट्रांसप्लांट का विभाग है वो SMS के बाद दूसरा ऐसा राजस्थान में विभाग है जहां लगातार किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, इसलिए वहां पर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करने में हमारा दूसरा स्थान है। इसमें रोबोटिक यूरोलॉजी सर्जरी की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे कैंसर रोगियों का इलाज बस हो गया। साहब, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में बायो प्लेनर कैथ लैब, कोटा में कैंसर उपचार हेतु लीनियर एक्सीलेटर मशीन, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय द्वितीय तल चालू हो गया है, परंतु वहाँ नर्सिंग कर्मी और चिकित्सक लगाने की आप कृपया करें। श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय में एंडोक्रिनोलॉजी व कार्डिक थोरेसिस मेडिकल कॉलेज। माननीय सभापति महोदय,